Hey guys, welcome back to the channel. तो भाई सीन कुछ ऐसा है, सबसे पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और आज हम लोग जाने वाले हैं भवानीपुर। और भवानीपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपको तो पता होगा ही, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। शिवरात्रि है तो आज हम जा रहे हैं उगना महादेव का मंदिर, और वहाँ जाके देखते हैं शिवरात्रि में वहाँ कैसा माहौल है, क्या क्या तैयारी चल रहा है। और मंदिर में भी मैं आपको शिवलिंग दिखाऊँगा शिव जी का, और दर्शन भी करवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। Few moments later. तो गाइस फिलहाल अभी मैं हूँ सकरी चौक, और आप देख सकते हैं ये रास्ता सीधे भवानीपुर जाएगा, और ये मंदिर उगना मंदिर इधर ही है। ये सकरी चौक का नज़ारा मैं एक बार आपको 360 दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, रास्ता ये रहा। तो गाइस फिलहाल अभी हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं, और अभी पट खुलेगा 2:30 बजे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही पट खुलेगा तो मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। और आप बता दें, मैं आपको मंदिर के प्रांगण में आपको शादी विवाह मुड़न सारा कार्यक्रम होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। द्वार खुल चुका है, अब हम लोग जाएंगे दर्शन करेंगे। दर्शन करने से पहले आप देख सकते हैं गेट के, आपको यहाँ पंडित जी मिलेंगे, तो इनसे पहले चंदन करवाते हैं। चंदन करवाने के बाद यहाँ का क्या स्टोरी है वो सारा स्टोरी ये खुद बताएंगे अपनी जुबान से, क्योंकि हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर कोई आपको यहाँ सही सही जानकारी इस मंदिर के बारे में क्या इतिहास है वो बता देंगे तो सही रहेगा। तो चलिए पहले चलते हैं और चंदन करवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं पंडित जी। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ के मंदिर के बारे में क्या इतिहास है, यहाँ पंडित जी खुद बताएंगे यहाँ का क्या इतिहास है, आप बताइए जरा थोड़ा। यहाँ का आज से 1300 वर्ष पूर्व राजा को राज था पहले। आज के डेट में राजनीति चल रहा है, पब्लिक में नेता लोग, पहले राजा को राज था, हर स्टेट में राजा रहते थे। जिस समय में राजा शिव सिंह का था उसी टाइम में बीसवीं से विद्यापति जी को पत्र आता था और जाता था। उसी टाइम में कुछ दिन ही पहले विद्यापति जी को यहाँ बाबा उगनाथ एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ पहुँचे और कहे हमको नौकर आप रख लीजिए। विद्यापति जी बोले जो हम तो नौकर को कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए जो हम तो पूजा भजन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, नौकर तो कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा देर गुम होने के बाद विद्यापति जी के मन में ऐसा आ गया जो ठीक है तुम आए हो तो रह जाओ, लेकिन तुम क्या लोगे सो बोलो। वो कहे जो हम कुछ नहीं लेंगे, केवल भोजन करेंगे, वो भी कभी मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी ठीक है, तो ठीक है रह जाओ। कुछ ही दिन के बाद राजा शिव सिंह के यहाँ से पत्र गया, उगना को नाम था उनका, महादेव जी से पूछे हैं विद्यापति जी तुम्हारा नाम क्या है, तो उगना, ठीक है रहो ले उगना, तो भांग अपना ओरिया लेना, कल जाना है राजा शिव सिंह के यहाँ। भांग ओरिया के प्रात बने, वहाँ से चले हैं विद्यापति जी उगना के लेकर, कमंडल कम्बल ये सब उगना के साथ में है। जब भवानीपुर पहुँचते हैं तो बहुत प्यास लगा, उसमें कुछ राजनीति था, राजनीति ऐसा था जो देवता लोगों में भी राजनीति होता था। नारद जी इसी टाइम में पहुँच गए कैलाश, और पार्वती जी से कहते हैं
मित्र भवन में कितने दिन रहेंगे विद्यापति के, यहाँ कोई ठीक नहीं है, आपको तरना लगाइए। इसलिए जो अभी निर्जन वन में पहुँच गए हैं, वहाँ जल की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ बाबा तो दयालु है, वहाँ दिखा रहे जाएंगे जटा से गंगा जल देने के बाद। ऐसा हुआ क्या, तो फिर यहाँ इतना प्यास लगा जो चिल्ला करके बोले ए गुना, ऐसा प्यास लगा जो जिंदगी में आज तक ऐसा कभी प्यास नहीं लगा था। कहीं से जल लोने तो प्राण निकल जाएगा। भारी उगना जंगल तो था ही, थोड़ा छिप गए हैं जटा से गंगा जल कमंडल में निकाल कर जटा से दौड़ करके आए हैं, जल पिला दिए, मन तो प्रसन्न हो गया। लेकिन विद्यापति जी का कुंडली खुल गया, जब कुंडली खुल गया है तब तो स्वाद जल लगा है गंगा जल का, तो बोलता है तुम ये जल कहाँ से लाए हो? और बहुत दूर से इधर वो इस साइड में एक डबरा था, उस साइड से हमने जल लाए हैं आपके लिए, मन प्रसन्न हो गया, अब चलिए रजवाड़ा क्योंकि देरी हो रहा है, कल हमको कहीं नहीं जाना है, तुम ये कहाँ से लाए हो जल, वो जगह बताओ। क्या ये सब कहने की आपको क्या जरूरी है, जितना देर उसको ढूंढेंगे उतना देर वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर भी नहीं माने विद्यापति जी, पाँव पकड़ के रोने लगे हैं। विद्यापति जी कहते हैं जो हम जब तक जगह नहीं बताओगे तब तक नहीं हम जाएंगे। कहा जो आप सत कीजिए, हम तो तुमसे क्या सत करेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो कुछ है साथ में, इसलिए जो तू कहोगे वही हम करेंगे। तब भोला बाबा बोलते हैं अपना रूप दिखाए हैं, जब पाँव पकड़ के रोने लगते हैं और कहते हैं कोई बोलना नहीं है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारी साथ है, जिस दिन बोल दोगे उस दिन तुम्हारे साथ से चले जाएंगे। बस इतना ही के बाद यहाँ से भाला चमके कमल लिए उगना अपना गला में चले यहाँ से राजा शिव सिंह के यहाँ। उसी टाइम में राजा विष्णु उनका बख्शिश में मिला था विद्यापति को। कुछ ही दिन का बाद नरक निवारण चतुर्दशी आता है जो माघ में होता है, उस दिन विद्यापति की पत्नी अढ़ा दिए जाओ तुम बल पर तुल के ले जाओ, जल्दी से आना, इसलिए जो हमको शाम पड़ जाएगा चलेगा चिटक जाएगा, सब लोग ये भोजन करेगा, सबको भूख लगी है, इसलिए जितना जल्दी हो से लाओ। वो दरेगन जब छिटक गए तब वहाँ से इतना डाल तोड़ करके वहाँ उनके दरवाजे पर पटक दिए हैं, अगर लीजिए भोला बाबा को यही चेहरा है। उनका पत्नी इतनी खिसियाई हुई थी जो चेहरा रसोई कर रही थी इसी ऐसे ऐसे उठाए और बोल रही थी इसी चेहरा से तुमको मारेंगे, बोल नहीं से मार होता है। इतना में विदाव जी को कान में आवाज गया, पूजा कर रहे थे किसको ऐसा करे, तो स्वयं भोला बाबा उसी टाइम में वहाँ से निकले हैं। जब निकले हैं तो उगना उगना करते हुए विद्यापति जी इनके पीछे किए हैं, बहुत दूर तक गए हैं, रोते हैं जंगल में पूरे बालू में लेट गए हैं, वहाँ पर एक भजन गाते हुए उनको रिझाते हैं, उगना अरे मोरे का हाँ कटाया जला भांग नहीं बतवा रुस बचला, यही उनका मुख्य इतिहास है, यही जगह इसीलिए यहाँ प्रसाद है, ये माटी नहीं है ये पंकज है। हर हर महादेव। तो गाइज आपने सुना पंडित जी ने यहाँ का जो भी इतिहास था उसने बताया, जो भी कहानी था कहानी पंडित जी ने आपको बताया। अब बारी है हम लोग का दर्शन करने का, जल अभिषेक करने का शिव जी के शिवलिंग पे, तो चलिए चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे फूल लेना होगा और जहाँ फूल लेते हैं वहाँ बाल्टी मिलेगा, बाल्टी लेके सामने देख रहे हैं कुआं, यहीं से जल लेना होगा, जल लेके उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर का जो भी सीन होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और एक बार मैं आपको घूम के दिखा सकता हूँ, इधर देखिए पीछे पोखर हुआ, नदी टाइप का छोटा सा पोखर बना हुआ है, तो चलिए चलते हैं। गाइस आपको यहाँ 20 रुपया में आपको एक फूल का एक छोटा सा डलिया मिलेगा, फूल बेलपत्र क्या क्या सारा चीज़ें अच्छा इसमें है। उसके बाद साथ में बाल्टी दिया जा रहा है, एक बाल्टी है जो कि जल लेना आपको मैंने दिखा दिया था जल लेना, और साथ में पित्तल का लोटकी है। चलिए ये सब देखें हम लोग चलते हैं अंदर, 20 रुपया मैंने आपको बता दिया, 20 रुपया रहेगा। तो गाइज हम लोगों ने जल अभिषेक कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ जो सामने में मेला लगा हुआ है, तो पूरा मेला एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है मेला में।
जो भी होगा वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। सामने राम मंदिर, हम लोग ने जलाभिषेक कर लिया, मेरे साथ अभी था, अविनाश था। तो चलिए चलते हैं और मेला का दृश्य दिखाते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी मैं मेला प्रांगण में हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है आपको 40 रुपया हर एक माल 40 रुपया, और जो भी है और कुछ कुछ सामान है जो कि अलग अलग रेट का भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ, देखिए इधर पूरा मैं आपको दिखाता हूँ पीछे तक, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ देखने वाला। गाइस देखिए यहाँ समोसा बन रहा है। तो नाम क्या हो भैया आपका? कन्हैया प्रसाद। कब से लगा हुआ है? कल है सर। कब तक रहेगा मेला? 3 रोज रहेगा। 3 रोज रहेगा मतलब बुधवार तक? हाँ बुधवार तक। हाँ तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि ब्लॉग को अब लास्ट करने का समय आ गया, सोच रहे हैं ब्लॉग को लास्ट करें यहीं पे और मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए चीज़ों के साथ, कुछ नया ब्लॉग होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाना। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo.